हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंक्लिंग्स इंग्लिश क्लासेस इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द लिट्रे टर्म अफेक्टिव फैलेसी सो इफ यू हैवन येट सब्सक्राइब आर चैनल डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल बेलाइकन सो यू नेवर मिस एनी अपडेट और नोटिफिकेशन अफेक्टिव फैलेसी इस टर्म का यूज़ सबसे पहले फेमस क्रिटिक्स डब्ल्यू के विमसेट और मुनरसी बियड्स लेने 1946 में आई ए रिचर्ड्स जो कि एक फेमस क्रिटिक हुए हैं उनके वर्क प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के डायरेक्ट रिएक्शन के तौर पर किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी पोएम या लिटरेरी वर्क की वैल्यू इस बात से जानी जा सकती है कि वह अपने रीडर्स पर क्या साइकोलॉजिकल प्रभाव डालती है अफेक्टिव फैलेसी बेसिकली एक एरर को बोला जाता है अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि कैसा एरर इट इज़ एन एरर ऑफ जजमेंट या एरर ऑफ इवेल्युएशन ऑफ अ लिटरेरी वर्क बाय इट्स इफेक्ट्स जब किसी भी लिटरेरी वर्क को उसके रीडर्स के ऊपर प्रभाव से जज किया जाता है खासकर उसके भावनात्मक प्रभाव से आंका जाता है इसी एरर को इफेक्टिव फैलेसी कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी मूवी की बात करें तो यदि हम उसकी जजमेंट इस आधार पर करें कि मूवी का उसके देखने वाले ऑडियंस पर क्या भावनात्मक प्रभाव पड़ा है और उसके बाकी के एस्पेक्ट्स जैसे कि एक्टिंग डायलॉग्स वर्क ऑफ डायरेक्टर्स साउंड म्यूजिक, म्यूज़िकनर या अलग अलग जो टेक्निक्स यूज़ हुई हैं उनको पूरी तरह से इग्नोर कर दें तो इसी को ही अफेक्टिव फैलेसी बोला जाता है अफेक्टिव फैलेसी इन अ वे गिव्स राइज टू ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म अब ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म क्या है ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म में एक क्रिटिक लिटरेरी वर्क के फीचर्स उसमें यूज होने वाले डिवाइसेस और उसकी फॉर्म के ऊपर फोकस करता है जिनकी वजह से रीडर्स के ऊपर अलग अलग तरह के प्रभाव पड़ते हैं So that's it for this video. I hope you found the discussion helpful. If you found the video helpful, then do like it and share it with your friends. I'll be back very soon with a new video. Till then, stay tuned with Inkling's English classes and don't forget to subscribe the channel.